नवाज देवबंदी एक जगह लिखते हैं कि वो रुला कर हंस न पाया देर तक, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक, वो रुला कर हंस न पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। और आगे की लाइन देखिए शायर की, कहते हैं कि गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, धूप रहती है न साया देर तक। छोटे छोटे संघात, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी धूप जो जीवन में कष्ट देती हैं, आपको बर्निंग सेंसेशन करती हैं, आपको लगता है कि आप तप रहे हैं, आप जल रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, आपको असुविधा हो रही है, आपके लिए अरुचिकर है, वो सदा सर्वदा रहने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए रहने वाली नहीं है। सुख और दुख, प्रसन्नता और विषाद, हर्ष और बैर, मित्रता और शत्रुता, ये मन के वेग हैं और बहुत ज़्यादा हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, हमारी अवस्थाओं पर। ये स्टेजेस हैं, ये एक इस तरह के आयाम हैं जो सदा सर्वदा रहने वाले नहीं हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। आप अपने जीवन में अगर गौर करें तो खुद इस बात को देखेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको लेकर, जिनको सोचकर, जिनके बारे में विचार करके आप पहले बहुत परेशान थे, लेकिन आज आप बहुत सहज हैं, आज उन बातों पर आप मुस्कुराते हैं, आज उन बातों पर आप हंसते हैं, और आज उन चीज़ों के लिए आप सोचते हैं कि उस समय मैंने ये क्या व्यवहार किया। ऐसे ही जीवन में जब हमारे मानदंड बदलते हैं, हमारे मापदंड बदलते हैं, हमारी सोच का दायरा विस्तार लेता है, हम जीवन में अधिक समझ को उपलब्ध होते हैं, तो हमारा नज़रिया बदलता है, हमारी नज़र बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है। और जैसे ही आपकी दृष्टि बदलना प्रारंभ होती है, वैसे ही आपकी सृष्टि भी बदलने लगती है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी दुखी ना हो, परेशान ना हो, हमेशा ना सोचें कि ये परिस्थितियाँ ऐसे ही रहने वाली हैं, क्योंकि सृष्टि में, इस जगत में, इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ प्रतिपल बदलने वाला है और बदल ही रहा है। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पुनः पुनः इसलिए ये बातें शेयर करता हूँ कि आप पुनः स्मृति कर सकें, फिर उस बात का स्मरण कर सकें, फिर उस बात को याद कर सकें। रिमेम्बरिंग के साथ जब आप उस तथ्य को सोचते हैं, तो उस दिन आने वाली समस्या को आप और हंसते खेलते, मुस्कुराते, मस्ती के साथ उससे उबर सकते हैं, उससे पार जा सकते हैं। सदा कुछ भी नहीं रहने वाला है, ना सुख ना दुख। बादशाह अकबर के जीवन की एक घटना है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो कहते हैं बीरबल से, जो उनका सलाहकार था और एक बहुत बड़ा करैक्टर हमारे इतिहास में है, अकबर बीरबल की जोड़ी, उनके किस्से आपने बहुत बार सुने और पढ़े होंगे और आपकी जानकारी में आए होंगे। अकबर कहते हैं बीरबल से कि आज इस पेपर पर कुछ ऐसा लिखो जिसे सुख में पढ़ें तो भी ऐसा ही एक जैसा एहसास हो, और दुख में पढ़ें तो भी एक जैसा एहसास हो। तो पता है बीरबल ने क्या लिखा? बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने पूछा, ऐसा लिखो जिसे सुख में पढ़ें तो भी ऐसा ही प्रतीत हो, और दुख में पढ़ें तो भी एक समान प्रतीत हो। तो बीरबल का जवाब था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु।